रेडी कर लिए हैं, दाल यहाँ पे रेडी है और आटा हम 20 मिनट तक इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के सान के रख दिए थे। तो चलिए अब आटा ही बहुत सॉफ्ट है और हम लोग लाल आटा खाते हैं तो सॉफ्ट ही होती है लाल आटा, सफेद आटा वाला थोड़ा टाइट होता है। तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दिए थे क्योंकि जानते ही आप मेरे हस्बैंड को एसिडिटी का प्रॉब्लम है और आज तो पूरा तेल ही पीने वाला है, पूरी समझ जाइएगा पूरा पूरी तेल पिएगा आज। हम तो एक ही खाएगा, बस एक ही खाएंगे, इतना ऑयली चीज नहीं खा सकता। यहाँ पे ले लिए हैं हम चकला, देख सकते हैं अच्छे से रख लिए हैं। उसके बाद हम भरेंगे कैसे, ऐसे थोड़ा सा आटा लगाएंगे और ऐसे हम लोग कुची करते हैं, इसको मम्मी बोलती है कुचिया लो, तो एक हम कुचिया लें और उसके बाद स्टफिंग करेंगे इसमें। स्टफिंग मतलब अंदर ठूसेंगे, आप तो इंग्लिश मैन है आपको क्या बताना, इसमें दाल को ठूसेंगे हम लोग जिसे स्टफिंग कहते हैं। सूट में कर रहा है, इंग्लिश में स्टफिंग बोलते हैं, हिंदी में ठूसना बोलते हैं। नहीं हिंदी में भरना बोलते हैं, नहीं हम ठूसेगा उसमें, आप इंग्लिश टीचर मजाक कर रहे हैं। तो इस तरीके से कटोरी बना लीजिएगा और बिहार से जितने लोग देख रहे हैं सबको आता है, बिहारी यूपी वाले सब जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, और जो अदर जगह से लोग हैं उन लोगों को नहीं आता होगा दाल पूरी बनाना, ऐसा मत बोल दीजिएगा, आता भी होगा इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन बिहार का दाल पूरी है क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि बिहार का दाल पूरी जो होता है ना वो आप लोग को आता है बनाने, इसलिए मैं बोली हूँ। और चलिए तो इसको इस तरीके से इसमें लेके आप चम्मच से भी ले सकते हैं लेकिन हाथ से ही ज्यादा कम्फर्टेबल लगता है मुझे। इस तरीके से साइड साइड से दबा लीजिएगा ऐसे, और उसके बाद इसको देख सकते हैं ऐसे ऐसे, तो आपकी जितने भी भरिएगा ज्यादा ज्यादा भरिएगा क्योंकि हमारी दादी कहती है क्या कि जो दाल पूरी होला ना, दाल पूरी अगर खाएंगे उसमें दांत नहीं गड़ेगा तो दाल पूरी ना भेले, मतलब दाल पूरी में दांत गड़ना चाहिए, ज्यादा ज्यादा दाल दो यानी कि अंदर में दाल ज्यादा होना चाहिए। आप नहीं समझे, नहीं समझा, भी समझा, दांत गड़ना चाहिए तो मैं ज्यादा दाल रहेगा तभी ना गड़ेगा, इसीलिए ज्यादा दाल पसंद नहीं, मतलब कम दाल होने से ठीक है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। दादी का कहना है मेरा, हमको भी ज्यादा दाल हो तो अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा ऐसे ऐसे करके, देखिए ऐसे ऐसे करके घुमा लेंगे, मोदक जैसा बन गया। देखिए इसको आप पोटली सिंघाड़ा भी बोल सकते हैं, पोटली सिंघाड़ा चना दाल का। सबसे पहले तो बताइएगा कि हम लाल साड़ी में आए हैं, अच्छा लगा कि नहीं, ऐसे कर लेंगे। और इसको तोड़ के एक्स्ट्रा होगा तो हटा भी सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे यहाँ पे मोड़ के हाथ से ऐसे प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे आराम से धीरे धीरे। देखिए तो पूरा प्रोसेस हम दिखा दिए हैं पहला पूरी में ही, अब अभी हम कढ़ाई रखे हैं, ना ऑयल रखे ना कुछ रखे हैं क्योंकि हम ना कम से कम 10 पूरियां तैयार कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही हाथ है, तो दो तीन जन तुम्हारे पास एक ही हाथ है, आई हैव टू हैंड्स, अभी एक बोली तो नहीं, मतलब अकेले हैं हम, इसका मतलब वो लोग समझ जाएंगे, तो हम हैं अकेले। तो इसको ऐसे आप तेल भी लगा के बेल सकते हैं, हम पर्थन लगा लेंगे, हम का आटा का पर्थन ही कम्फर्टेबल समझते हैं इसीलिए, और ऐसे ऐसे हाथ से कर लीजिएगा तब बेलन चलाइएगा तो अच्छा रहेगा। और इसको ना बड़ा अपने हिसाब से जितना बड़ा आप खाते हैं, हमारे घर में पापा जी को बड़ा बड़ा पसंद है लेकिन रिया को और रिया का पापा को छोटा छोटा पसंद है, पापा जी को बड़ा बड़ा रोटी भी पसंद है थोड़ा मोटा, इसी वजह से पापा जी के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा। इस तरीके से देखिए नहीं फटेगी ना कुछ और पूरा फूलेगी, देखिए तो कोई मेहनत झंझट नहीं हुआ, और ये मुझे पहले नहीं आती थी, मम्मी आई थी तो सिखा गई है, अभी शादी के 18 साल बाद मम्मी आई थी ना पिछले मंथ, सिखा के गई है, उससे पहले ही बना दी थी, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं होता था। और इसमें हम ऐसे टेस्टोर कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पे पूरी सारे बेल लिए हैं, और बेल लिए हैं इसीलिए कि जैसे कि दो तीन आदमी होता है तो एक आदमी भर रहे हैं एक आदमी बेल रहे हैं तो जल्दी हो जाता है, तेल वेस्ट नहीं होगा। तो मैं अकेले मतलब कर रही थी तो इसी वजह से मैं सबको भर ली हूँ और बेल ली हूँ, और जितना मतलब फ्राई करना है तेल में तलना है पूरी को छानना है उतना मैं थाली में रख ली हूँ, तो बड़े आराम से हम एक के बाद एक डाल रहे थे क्योंकि तेल मतलब ज़्यादा नहीं जलेंगे। और एक सबसे पहले डाल के छोटा सा देखी थी कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो सब करते हैं,
तो यहाँ पे ना क्या होता है ना, पूरी अगर छानते हैं तो मम्मी बताई थी कि तेल को पहले पूरा सरसों का तेल में छानो या रिफाइंड में छानो या डंडा में छानो, आपको जो मर्जी है जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें छानिए। तो तेल को ना सबसे पहले क्या होता है ना, मम्मी बोली थी कि पूरा हीट करके गर्म कर लेना चाहिए, पूरा एकदम गर्म कर लीजिएगा, तेल में से धुआं आने लगेगा तब उसको थोड़ा सा कम कर देना होता है। तो कम कर देने से ना क्या होता है, तेल पूरा गर्म रहती है तो पूरी को उसमें डालेंगे तो तेल गर्म रहती है, इस वजह से पूरी अच्छे से पकेंगे दोनों साइड से, और डालते ही देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, क्योंकि तेल गर्म नहीं होगा तो आपका पूरी नहीं पकेगा अच्छे से, कच्चा रह जाएगा। तो इसी वजह से मम्मी आई तो बता के गई, नहीं तो उससे पहले मेरा पूरी इतना अच्छे से नहीं पकता था। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं उसको पूरा गर्म करो, उसके बाद थोड़ा सा अपने हिसाब से आँच को कम बेसी कर लेना। तो एक देख रहे हैं, एक निकाल रहे हैं और एक हम डाल दे रहे हैं, तो ब्रश झटपट जल्दी जल्दी पूरी तल तल के निकल रहा है और सारे के सारे मेरी पूरी फूल रही है यहाँ पे गुब्बारे की तरह, क्योंकि मम्मी वाला ट्रिक हम अपनाए थे जैसे जैसे वो बोली थी। और आटा में ना सानने के बाद थोड़ा सा हम ऑयल डाल के फिर उसको सान के और रख दिए थे उसको 10 से 15 मिनट के लिए, तो इसी वजह से बहुत ही सॉफ्ट और एकदम नरम और सारे के सारे पूड़ियाँ मेरा फूल रहा था। तो पतिदेव भी कह रहे थे कि वाह आज तो तुमको पूरी बनाने आ गया, रेसिपी तो शेयर करना पड़ेगा। तो हमको भी अच्छा लग रहा था, कोई चीज़ अगर आप बनाएंगे ना और अच्छा बनेगा तो अच्छा लगता है। पहले क्या होता था, फूट भी जाता था, और आज वाला एक भी पूरी हमारा नहीं फूटा है, क्योंकि अच्छा से बनाएंगे, इसके ट्रिक जान जाएंगे, कैसे इसको स्टफिंग करना है, कैसे बेलना है, प्रॉपर अगर आपको आ गया तो आपका पूरी कभी भी नहीं फूटेगा और एक भी पूरी आपका मतलब बिना फूले नहीं निकलेगा, सारे के सारे फूलेंगे। तो मैं 3 वीडियो इस पे भेजी हूँ, जरूर देखिएगा, और आप लोग देखे भी है पिछले वीडियो में। और क्या होता है ना, एक साथ अगर ये पूरे वीडियो को दे देंगे ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और इतने बड़ा वीडियो हो जाएगा तो किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मेरे 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के वीडियो बैठ के देखेंगे। तो इसीलिए मेरे ही पेज पे 3-4 भाग में वीडियो हम भेज दिए हैं, तो देखे हैं आप लोग, ढेर सारा प्यार भी दिए हैं, उसके लिए थैंक यू, और इसको भी दीजिएगा प्यार। और थोड़ा लेट से आज वीडियो पोस्ट हो रहा है क्योंकि नेटवर्क का इशू हो गया था इसी वजह से। तो चलिए, सबसे पहले विराज बोला है कि मैं खा लेता हूँ, बोला हाँ हाँ खा लो तुम, तो चलिए बच्चे लोगों के लिए तो बन रहा है ना, बाद में अपने, पहले तो बच्चे लोग खुश हो जाए, उसके बाद तो अपना जो बनाता है वो तो बाद में ही खाता है, ये लोग अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है। तो वो सच बताऊँ तो मैं क्या बोलूँ, मैंने सारे पूड़ियाँ इतना अच्छा से बनाई थी मम्मी की तरह, बिल्कुल एकदम मम्मी जो बता के गई थी, मैं मम्मी का वीडियो भी देखी थी रेसिपी कैसे बताई थी मम्मी, तो वहाँ से देख के और अच्छे से बनाई थी, तो अच्छे से पूड़ियाँ फूल के देख सकते हैं, एकदम गुब्बारे की तरह मेरी पूड़ियाँ फूल रही है। तो मैं सोच रही कि मैं एक रेसिपी चैनल चलाऊंगी, तो पतिदेव जी बोल रहे थे कि तुम्हारा 3-3 ऑलरेडी पेज है, इस पे भी तुम डाल सकती हो। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत खुश हूँ कि मैं अच्छे से बना पाई हूँ पूरी खीर और आलू परवल की सब्जी, और खीर भी बनाई हूँ उसका भी रेसिपी शेयर की हूँ, क्योंकि खीर भी बहुत अच्छा बना था, क्योंकि मेरी फ्रेंड की, मेरी फ्रेंड नहीं, मेरी भाभी है उनका, रिया का फ्रेंड आई थी, तो वो भी बोल रही थी जी आंटी अमर माए पारे ना बेंगोली पायस तुम्हें बने सु बहुत भालो लगे से। तो वो हमेशा, मैं जब भी दाल पूरी बनाती हूँ तो उसको पसंद है, तो वो बोलती है कि हम खाएंगे, तो उसको हम फ़ोन करके बोल दिए कि आ जाओ बाबू बना रहे हैं आज पूरी रामनवमी पे। तो पिछले साल भी वो खाई थी और इस साल भी खाई है, तो बोल रही थी बहुत टेस्टी बना है आंटी। तो सारे पूड़ियाँ देख सकते हैं हम अच्छे से तल लिए हैं, और पतिदेव जी तो पहले बोले कि मैं एक खाऊंगा, और वो भी बोल रहे थे कि हमारे लिए रोटी बना देना क्योंकि पूरी बहुत तेल पिएगी, लेकिन यहाँ पे वो जब पूरी का लुक देखें कि कितना अच्छा ये बनाई है, तो बोल रहे हैं नहीं नहीं रहने दो, हमको ना सादा पूरी खाना है ना ही सूखा हुआ खाना है, हमको तो बस यही दाल पूरी खाना है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा में क्या हो गया था ना, मेरा एडिटिंग चल रहा था इसी वजह से कैमरा ही नहीं मिला, नहीं तो ये लोगों को खाना उना इतने प्यार से दिए थे, वो भी मन था आप लोगों के साथ शेयर करने का, बट कैमरा बिजी था इस वजह से हम नहीं कर पाए, तो बाद में इनको देने गए। तो 2 खाई, रिया तो 1 खाई बड़ा, क्योंकि रिया को इतना पसंद नहीं आता है, बट आज वाला थोड़ा पसंद आया तो 1 खाई, नहीं तो वो थोड़ा सा खाती है, और बाकी घर में सबको बहुत पसंद आया, और पापा जी का भी निकाल के हम भेज दिए थे। तो चलिए देखते रहिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।